हिंदी में जानना चाहेंगे, 40 विधायक एनसीपी के अजीत पवार साहब के साथ संपर्क में हैं और जल्द ही जो है अपने समर्थन का पत्र वो राज्यपाल के पास देने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये खबरें बेबुनियाद है। मेरी जानकारी है इस प्रकार की ये सब अफवाह है। अजीत पवार हमारे महा विकास अघाड़ी के शीर्ष नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज सुबह हम सभी प्रमुख नेता एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहे। शरद पवार साहब के साथ मेरी बातचीत हो गई, सुप्रिया ताई सुरेश से भी हमारा संपर्क हुआ है, उद्धव ठाकरे जी, हम सभी एक दूसरे से साथ सभी बात कर रहे थे। ये सब अफवाह है। महा विकास अघाड़ी गठबंधन मजबूत और मजबूत रहेगा। अजीत दादा पवार के बारे में इस प्रकार की अफवाह और इस प्रकार की बातें फैलाकर अगर किसी को लगता होगा कि यह महाविकास अघाड़ी कमजोर होगी तो ये गलत फहमी में। सर, कल एक कार्यक्रम था जिसमें अजीत दादा को जाना था पुणे, लेकिन वो न जाके यहाँ पे विधान भवन में मुंबई तो क्या हो गया? ऑफिस में बैठे रह गए तो क्या हो गया? अजीत दादा पवार लीडर ऑफ अपोजिशन है। ऐसे बहुत से लोगों के प्रोग्राम कैंसिल होते हैं, प्रधानमंत्री के कैंसिल होते हैं, मुख्यमंत्री के कैंसिल होते हैं, डिप्टी सीएम के कैंसिल होते हैं, तो उसमें सीरियस लेने की क्या बात है? उनका निर्णय होता है, उनका पार्टी का निर्णय होगा। सुप्रिया सुले जो है कल पुणे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में दो बड़ी खबरें आने दो बड़ी खबरें आ सकती है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बदल सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी इन फेवर ऑफ महाविकास आघाड़ी आ सकता है। ये दो ही बड़ी खबरें। तो सर, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि जो है शिंदे गुट के खिलाफ फैसला आने वाला है, इसलिए फेस सेविंग के लिए अजीत दादा पवार को, अजीत दादा पवार का नाम बार बार लेना ठीक नहीं है। अब अजीत पवार को नाम इस तरह से आप इस्तेमाल मत कीजिए। जब तक अजीत पवार खुलकर सामने आकर बात नहीं करते, या जो आप बोल रहे हैं 40 विधायकों का पत्र सामने नहीं आता, तब तक इस प्रकार से सवाल पूछना ठीक नहीं है। सर, आपने एक रोक टोक में आर्टिकल में ये लिखा था कि एनसीपी के जो सुप्रीमो है शरद पवार जी के साथ जो मीटिंग हुई थी सिल्वर ओक में, उसको उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ जो है विधायकों के परिवार वालों को त्रास दिया जा रहा है, इस वजह से अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं या पार्टी से अलग होते हैं तो उसके ऊपर मेरा जोर। पवार साहब ने ये बात नहीं कही है, मैंने कहा कि सीबीआई ईडी ऐसी एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एनसीपी पहले शिवसेना के बारे में इस्तेमाल किया, बाद में एनसीपी के बारे में हो रहा है, लोगों को तोड़ रहे हैं, दबाव में है लोग, फैमिली को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो जरूर विधायक दबाव में आते हैं और कोई निर्णय लेना चाहते हैं दबाव में, उनकी मर्जी है।